हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का 12 से कॉमिक्स न्यूज अड्डा में। और आज हम बात करेंगे दोस्तों राज कॉमिक्स की ऐप और वेबसाइट के बारे में जो कि बंद हो चुके हैं दोस्तों। और हालांकि डोमेन उनके चालू हैं, आज भी आप सर्च करेंगे तो मिल जाते हैं, बट वो वर्क प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं। और दोस्तों क्या उन्होंने अभी नई लॉन्चिंग वेबसाइट कुछ की है, और की है तो कहाँ पर हमें उनका सही एड्रेस मिलेगा दोस्तों, और कहाँ से हम जाके उसे सर्च कर सकते हैं, चलिए आइए देखते हैं वन बाय वन। कॉमिक्स प्रगति के दौर में दोस्तों 1998 में सारी कॉमिक्स को पछाड़ते हुए राज कॉमिक्स ने पहली बार अपनी वेबसाइट को लॉन्च किया दोस्तों समय रहते हुए। और साथ में दोस्तों 2019 के समय उन्होंने एंड्रॉइड एप्लीकेशन, एंड्रॉइड के जमाने को देखते हुए अपनी एप्लीकेशन लॉन्च की दोस्तों। लोगों को बहुत सारा अप्रिशिएशन मिला इन दोनों को, वेबसाइट भी अच्छी चलने लगी साथ ही एप्लीकेशन भी। बट दोस्तों एज अ रिस्पॉन्स और धीरे धीरे कॉमिक्स इंडस्ट्री के ड्रॉबैक की वजह होने के कारण दोस्तों इन्होंने अपना फीडबैक बंद कर दिया, जिसकी वजह से लोग निराश होने लगे और ऐसे कमेंट्स आने लगे दोस्तों, जिसमें ना ही ऐप वर्क प्रॉपरली कर रही थी ना ही वेबसाइट वर्क प्रॉपरली कर रही थी। ये एक ड्रॉबैक था जिसकी वजह से ऐप और वेबसाइट दोस्तों बंद हुई। बट आज भी डोमेन आप देख सकते हैं लाइव है, उनके चल रहे हैं, यानी वर्क प्रॉपरली नहीं कर रहे, बट एक खरीद रखे उन्होंने अपना डोमेन के भाई कोई और ना इसे यूज कर पाए दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कॉमिक्स न्यूज अड्डा, हमने ठाना है कि हमारी भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री को अपर करना है, अप करना है, और सभी लोगों को दोबारा से कॉमिक्स के प्रति जागरूक करना है दोस्तों। तो ऐसे ही राज कॉमिक्स ने 2021 में कुछ नए नए कॉमिक्स लॉन्च किए और साथ में कलेक्टर एडिशन भी लॉन्च किए, जिसकी वजह से दोस्तों दोबारा से लोग उन फैंस उन जुड़ रहे हैं। और साथ ही दोस्तों दो वेबसाइटें भी राज कॉमिक्स ने दोबारा से लॉन्च की है कुछ नए नए डोमेन के साथ, जो मैं आपको लाइव बताता हूँ दोस्तों। और साथ में दोस्तों ये भी हम जानेंगे इस वेबसाइट को देखते हुए, क्या इन वेबसाइट से हम लोग कॉमिक्स ऑर्डर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को अपना ब्राउजर ओपन करना है, यहाँ पे टाइप करना है पहले तो राज कॉमिक्स टाइप करना है, राज कॉमिक्स मैंने टाइप किया जैसे गूगल पे, और यहाँ देखेंगे राजकॉमिक्स.com, वेलकम टू राज कॉमिक्स, मैंने इस पर क्लिक करता हूँ। दोस्तों आप देखेंगे कि जो सबसे पहले .com वाली वेबसाइट है, ये कौन सी वेबसाइट हो रही जो सबसे पहले स्टार्ट हुई थी 1998 के बाद इन लोगों ने लॉन्च किया था इसे, और दोस्तों ये अभी तक चल रही है, यानी डोमेन इन्होंने क्या है बचा रखा है दास्ते, ताकि कोई भी दूसरा इसे खरीद के दोस्तों कुछ ज़्यादा बोली पर ना बेच पाए दोस्तों। ऐसा होता है अधिकतर कोई फेमस डोमेन होता है जिसे क्या है खरीदने के बाद दोस्तों कोई भी एक बिडिंग वाला जो बंदा होता है उसे बेच देता है कुछ महंगे पे। ओके तो यहाँ पे आप देखेंगे गूगल पे ऑफिशियली जो एक इंफॉर्मेशन वाला टेब होता है, यहाँ देखेंगे .net वाली एक वेबसाइट ऑफिशियली बता रहा है। यहाँ की नीचे आप जैसे ही राज कॉमिक्स आपने सर्च किया, पहली आपको .com वाली मिली, सेकंड मिला आपको राज कॉमिक्स होम ऑफिशियल या .net लिखा दोस्तों इस पे, तो आपको इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ आपने एक वेबसाइट देख ली, इसे हटा देते क्योंकि ये पुरानी हो गई। अब सेकंड वाली पे आप जाएंगे, देखिए राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता नाम की एक वेबसाइट है दोस्तों, राजकॉमिक्स.net, .com की जगह .net आ गया दोस्तों। अब यहाँ इसका आप ओवरव्यू देखते हैं पूरा का पूरा दोस्तों, ऊपर एक अच्छा ग्लोसी दे रखा है दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो स्क्रीन सेवर दे रखा है उन्होंने पूरा का पूरा, ये बहुत ही प्यारा दे रखा है। ग्राफिक्स वगैरह थोड़े से न्यू एडवांस दिख रहे हैं डोंगा के हमें, और स्लाइडर के रूप में है ये। राज कॉमिक्स ऑनलाइन स्टोर नाउ ओपन, यहाँ दे रखा है कि ऑनलाइन स्टोर ओपन हो चुका है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे रखा है, लेटेस्ट रिलीज उन्होंने दे रखी है, विश्व परस्त हो गई है स्वर्ण नगरी की तबाही, स्वर्ण ये सर्वनायक वाली सीरीज के तीनों के बारे में छोटे छोटे पोस्टर दे दिए। अब मैं क्लिक करके देखता हूँ इनमें से, इनमें क्लिक नहीं हो रहा, यानी कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है वेबसाइट। होम हो गया, उसके बाद अबाउट देखते हैं दोस्तों। अबाउट में आप देखेंगे कि यहाँ पे कि ओ माय गॉड क्या पोस्टर बनाया है बाबा, ये वो मज़ा आ गया यार, सुपर पोस्टर, बहुत ही प्यारा लग रहा है दोस्तों। आप भी यार विजिट कीजिए वेबसाइट, बड़ी ही मज़ेदार लग रही है। और ये खास जिसने भी बनाया ना पोस्टर, ये धीरज ने बनाया दोस्तों, मैं इसका थोड़ा सा स्क्रीन शॉट लेके चलिए बाद में देखेंगे, बहुत ही बढ़िया पोस्टर बनाया। कैरेक्टर्स के बारे में क्लिक करते हैं तो यहाँ देखेंगे, ओके दोस्तों वाह क्या बात है, यहाँ पुराने सारे कैरेक्टर्स इनके आ रहे हैं, हालांकि सारे नहीं है। यहाँ आपको नागराज, ध्रुव, डोगा, परमाणु, शक्ति, तिरंगा, स्टील, भेड़िया, कोबी, अश्वराज, योद्धा, भोकाल, और फिर अपने फाइटर टोर्स, गमराज, बाकीलर और गोजो दिख रहे हैं दोस्तों। बाकी सब अभी इन्होंने अभी शायद यहाँ पर डाले नहीं है, तो हम क्लिक करके देखते हैं क्या ऑप्शन है। बस मोर का ऑप्शन आ रहा है, ओके मोर पे ऑप्शन क्लिक करते से दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे राज कॉमिक्स डॉट शॉप का ऑप्शन आ रहा है, जैसे डॉट नेट यहाँ था राज कॉमिक्स शॉप। अब शॉप पे आते से ये बात हुई ना दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपको जिस प्रकार से अमेजन होता है, अमेजन के बाद फ्लिपकार्ट वगैरह होते हैं, यहाँ पे सब दे रखे उन्होंने अलग अलग कॉमिक्स, कौन कौन सी कॉमिक्स, कितनी कितनी कॉमिक्स, जैसे अगलू पगलू के अश्वराज, बाकेलाल, डोंगा, फ्रेडी, गगन,
तो गाइस वेबसाइट तो बड़ी मस्त लग रही है, सोल्ड आउट। ओके तो देखिए सभी पे सोल्ड आउट लिखा हुआ यानी बिक चुकी है, यानी कि अभी इन लोगों ने दोस्तों वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन ही चल रही है मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी तक दोस्तों सोल्ड आउट सारे ऑप्शन में सोल्ड आउट आ रहे हैं। पुरानी कॉमिक्स भी हमें विंटेज भी दिख रही है यहाँ पे, जितने भी विंटेज पेपर बेक कॉमिक्स हुआ करती हैं वो सारी, और कलेक्टर एडिशन डाइजेस्ट और ये सब, इस पर क्लिक करके देखते हैं कलेक्टर एडिशन है क्या। ओके तो कलेक्टर एडिशन भी मिलेंगे आपको यहाँ पे सभी दिखते हुए दोस्तों, बस ये है कि अभी ओपन नहीं हुई है, सोल्ड आउट लिखा हुआ। इसके बाद दोस्तों होम वापस होम लोग जाते हैं, होम पे जाते हैं, तो होम पे जाते के बाद ही शॉप वाला ऑप्शन आ गया। तो यहाँ आप पिछले पे जाएंगे, देखिए दोस्तों लोगों से मालूम पड़ जाएगा ब्लैक कलर का जो लोगो है वो शॉप का है, रेड कलर वाला जो है वो है दोस्तों इन्फॉर्मेशन का। तो यहाँ इन्फॉर्मेशन मिल गई, उसका टीम पे जाते हैं, तो यहाँ टीम दोस्तों यहाँ आपको देख रहे हैं सभी के नाम। बिल्कुल दोस्तों सबसे पहले आपको लेट राजकुमार गुप्ता जी देख रहे हैं जिसने राज कॉमिक्स की स्थापना की थी। उसके बाद मनोज गुप्ता जी दिख रहे हैं दोस्तों जो राइटर हैं और इस कॉमिक्स इंडस्ट्री के, यानी राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता के। साथ में मीनू गुप्ता जी दिख रहे हैं और आयुष गुप्ता जो उनके सुपुत्र हैं, और मीनू गुप्ता जी शायद उनकी वाइफ रही हैं, और अनुपम सिन्हा जी को तो कौन नहीं जानता है, द लेजेंड वगैरह आप लोग जानती हैं। न्यूज़ पे जाते हैं दोस्तों, ये थी टीम, न्यूज़ पे जाते हैं तो न्यूज़ पे आपको दिख रहा है। ओके तो थोड़ी न्यूज़ भी मिल जाएगी आपको जो शायद दिल्ली में ही पब्लिश होती है, एंड कॉन्टैक्ट और फिर शॉप, शॉप का डायरेक्ट आप कॉन्टैक्ट यहाँ से इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं करेक्टर और साथ में शॉप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी राजकॉमिक्स.net की इन्फॉर्मेशन जो हमने देख ली। अब इसके बाद एक और वेबसाइट जो मैं आपको बताता हूँ। एक तो देखिए आप नीचे जाएंगे तो प्ले स्टोर पर क्लिक करते से देखिए आपको आज भी दोस्तों राज कॉमिक्स की ऐप मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों हम नीचे जाते हैं, नीचे जाने के बाद ओके सबसे नीचे एक आ रहा देख रहे हैं राज कॉमिक्स, मैंने सर्च किया है दोस्तों। उस सबसे पहले मैंने आपको .com बताई, फिर .net बताई, उसके बाद हमने गए प्ले स्टोर पर और सबसे नीचे आप आएंगे राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता। दोस्तों आपने अभी राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता दिखी, अब यहाँ संजय गुप्ता वाली वेबसाइट जो है जिसका नाम है राजकॉमिक्सयूनिवर्स.com। दोस्तों अब देखते हैं इसमें क्या है। ओके तो पोस्टर तो हमें एक सेम मिला दोनों में, उसके बाद ये पोस्टर नया है और यहाँ नागराज भी डिफरेंट आ रहा है दोस्तों। आप देखेंगे यहाँ तो ठीक है बट यहाँ नागराज का लुक इस समय देखेंगे तो कुछ अलग ही है। जैसे यहाँ नागराज को आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे जो होते हैं उनके बालों में एक नाग का छोटा सा सिंबॉलिक एक ये दिखा रहता है, सिंबल दिखा रहता है जैसे उनके बालों में नाग जैसे स्टाइल। बट यहाँ पे जो इनकी रिवेल वाली यहाँ देखेंगे आप कुछ नया इंतरा है, तो यहाँ से रिवेल करते हैं दोस्तों। तो इन्होंने भी सेम इस वेबसाइट में भी सेम थोड़ा सा डिफरेंट दिया है, यहाँ पर कलेक्टर एडिशन डायरेक्ट दे दिए हैं और यहाँ पे रेट तो डाल रखे हैं सभी ने। और मैं इन पर क्लिक करके देखता हूँ बाइक ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा, तो क्लिक करते से दोस्तों ओके तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी इनने, बट बाइक ऑप्शन यहाँ पे कहीं नहीं अवेलेबल है। तो यानी कि ये भी आप सोच सकते हैं दोस्तों कि इस वेबसाइट का भी काम अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब राज कॉमिक्स की दोनों वेबसाइट जो है दो अलग अलग बंदों की है, दोनों भाइयों की कह सकते हैं, संजय गुप्ता जी सर और साथ में मनोज गुप्ता सर जी की है। तो दोनों की अभी अंडर कंस्ट्रक्शन वेबसाइट चल रही है, हो सकता है इन्होंने दो अलग अलग वर्जन में बनाई हो। एंड यहाँ तो होम थी, होम के बाद अबाउट में जानकारी दे रखी है सर दोस्तों, यहाँ हमने देख ली है जानकारी है। और के टीम तो संजय गुप्ता सर यहाँ दिख रहे हैं और उनके पिताजी, और नीचे जैसे ही मैं आता हूँ दोस्तों तो वासु गुप्ता, अंशिका गुप्ता और शिविका गुप्ता जी दिख रहे हैं मुझे, और ये टीम ही है शायद मेरे हिसाब से, या होम टीम है जैसे एक राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता में देखने को मिली दोस्तों, उनके पारिवारिक टीम वैसे ही नीचे भी देखने को मिली, संजय गुप्ता, पारुल गुप्ता, वासु गुप्ता और मानसवी गुप्ता कटारिया देख कर दे रखा है दोस्तों, और भी नीचे क्रिएटिव आर्टिस्ट बहुत सारे दे रखे हैं दोस्तों। इन्फॉर्मेशन क्लिक करते हैं तो राज कॉमिक्स यूनिवर्स में दोस्तों देखेंगे तो यहाँ सारे सुपर हीरो की लिस्ट है। अब दोनों में अंतर अगर आप देखें कंपेयर में तो यहाँ टीम दे रखी है जस्ट इन्होंने कैरेक्टर्स के यहाँ पर सेट कर रखे हैं, और यहाँ जो है बहुत बढ़िया चीज़ दे रखी है इन्होंने ड्रॉप डाउन में, सारे जितने भी सुपर स्टार हैं सभी का यहाँ पे दे रखा। मैं दोस्तों सुपर इंडियन या एंथोनी में परमाणु भेड़िया को देखता हूँ दोस्तों, भेड़िया पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ क्लिक करने पे कुछ भी नहीं आ रहा, नहीं कुछ भी नहीं, मतलब सारा जो काम है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है दोस्तों। ये देखिए क्लिक करने पे कहीं भी वो नहीं हो रहा, न्यू नहीं हो रहा, बस न्यूज़ ऑप्शन आ रही है, न्यूज़ पर क्लिक करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा। आरसी स्टोर पर जाते हैं, इस पर क्लिक करके देखते हैं। ओके तो आरसी स्टोर पर क्लिक करने से पहले कुछ खुला है दोस्तों, वेबसाइट वही है राज कॉमिक्स यूनिवर्स, कुछ बदला नहीं है, बट यहाँ पे जो मैंने सर्च किया था आरसी यूनिवर्स में अश्वराज को मैं करता हूँ क्लिक तो कुछ भी नहीं क्लिक हो रहा, और बाकेलाल पे क्लिक करके देखता हूँ शायद कुछ क्लिक हो। ठीक है दोस्तों तो बाकेलाल पे क्लिक करने पर उनकी वेब ओके उनकी कॉमिक्स आ गई है, यहाँ रीड मोर ही लिखा है,
यहाँ प्राइजिंग बस 60-60 रुपये, यहाँ टॉप रेटेड प्रोडक्ट में दे रखी है, पर यहाँ प्राइजिंग नहीं दिख रही इन सारी कॉमिक्स में, सारी कॉमिक्स आपको दिख रही है। तो दोस्तों ये वेबसाइट को देखते भी हमें मालूम पड़ गया है कि भी जानकारी भरी वेबसाइट है, केवल इसमें जानकारी मिलेगी, आप यहाँ से खरीद नहीं सकते दोस्तों। दोनों वेबसाइट से आप कोई भी कॉमिक्स नहीं खरीद सकते, केवल आप देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। यानी जल्द ही कोई प्लानिंग हो रही है दोस्तों इन लोगों की कि ऑनलाइन स्टोर चालू करें खुद का अपना, बट अभी तक लॉन्चिंग नहीं हुआ है दोस्तों। तो जैसे ये लॉन्च होगा दोस्तों मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों ये वेबसाइट और ऐप बंद होने की केस स्टडी आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि आप ही के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि वेबसाइट और ऐप क्यों बंद हुई, इसके ऊपर वीडियो बनाए। तो दोस्तों मैंने एक केस स्टडी करके इस वीडियो बनाया और होप्स आपके पीछे का कारण समझ में आ गया। और दोस्तों और कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे वीडियो बनाना चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपके क्वेश्चनों के सवाल हम देंगे दोस्तों। तो कमेंट करना ना भूलें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता और राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता का क्या सस्पेंस है, इसके पीछे की क्या कहानी, मैं आपको जल्द बताने जा रहा हूं दोस्तों। जल्द वो वीडियो भी आने वाला है, क्योंकि वो वीडियो अधिकतर कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि थोड़ा रेफरेंस और थोड़ी स्टडी करने में टाइम लगा, बट हालांकि कंप्लीट हो चुका तो जल्दी आएगा। उसके लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो अच्छा लगा दोस्तों सपोर्ट कीजिए दोस्तों और कॉमिक्स इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।